राजेंद्र गोयनका चिरायू मेडिकल कॉलेज में कंसल्टेंट फिजिशियन हूं और पिछले चार महीने से कोविड-19 के ट्रीटमेंट में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक अस्पताल चला रहा हूं। इस चार महीने के दौरान करीब 4000 कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स के ट्रीटमेंट का एक बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो बहुत जरूरी है। भोपाल वासियों तक, हर भोपाल के निवासी तक पहुंचना जरूरी है। शुरुआत में लोग हल्की सर्दी खांसी, बुखार, बॉडी एक, गले में खराश, सर दर्द और लूज मोशंस के ऊपर जांच के लिए डॉक्टरों के पास जाते थे, अपने इन्वेस्टिगेशन कराते थे और ट्रीटमेंट कराते थे और क्वारंटाइन होते थे। लेकिन कुछ दिनों से ये देखा गया है कि लोग इन छोटे छोटे सारे सिम्टम्स को भूल के एक बहुत बड़े सिम्टम पर इंतजार करते हैं कि जब सांस फूलेगी तब बात करेंगे, जब चलते हुए सांस फूलेगी या बैठे हुए सांस फूलेगी तब अस्पताल में जाएंगे या डॉक्टरों से मुलाकात करेंगे। ये एक ऐसा साइन है जो बहुत लेट हो चुका होता है। इसमें सीवियर निमोनिया में पेशेंट रिप्रेजेंट करता है और जान का खतरा होता है। मैं 4000 पेशेंट्स के एक्सपीरियंस से एक ही बात कहना चाहता हूं अपने भाइयों और बहनों को कि जितना जल्दी आप बुखार, सर्दी खांसी, गले में खराश, बॉडी एक, सर दर्द या टेस्ट जाता है आपके खाने का या स्मेल जाता है खाने पे, उस समय जल्दी से जल्दी क्वारंटाइन हो, जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से मिलकर जांच पड़ताल करा के अपना ट्रीटमेंट लें, ताकि वो नौबत ना आए जिस पर कि सांस फूलने की बात करें तो कोविड-19 जल्दी पकड़ने पर 0% मोर्टेलिटी होती है, जबकि कोविड-19 में अगर आप लेट रिप्रेजेंट करते हो और छुपा के रखते हो और अपनी बात को डॉक्टरों तक नहीं पहुंचाते हो तो बहुत ज्यादा सीरियस के रूप में आप रिप्रेजेंट करते हो अस्पताल में, जब अस्पताल भी कुछ ट्रीटमेंट करने के योग्य नहीं बचता। तो कृपया जितना जल्द अपने छोटे छोटे ये सिम्टम्स, जिनको अपन अनभिज्ञता से नहीं देखते हैं, उनको ध्यान से देखें, जल्दी से अपना इलाज कराएं, जल्दी से क्वारंटाइन हो और अपने डॉक्टर से मिलके इसका निदान निकलवाएं। नहीं तो लेट होने पर हम बहुत इम्पोर्टेंट हमारे साथियों को इलाज नहीं कर पाते हैं। थैंक यू। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।